तो इस वीडियो में हम आपको इसी तरह का माउस कीबोर्ड वाला सेटअप बना के दिखाने वाले हैं और इस माउस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। हमारे पास है गेमिंग RGB कीबोर्ड जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, जो FlyDigi का है। बॉक्स के अंदर हमें एक कीबोर्ड और साथ में टाइप सी केबल देखने को मिलता है। बहुत ही यूनिक सा डिजाइन है, बीच में कुछ होल जैसा है जिसकी मदद से हम दीवार में भी टांग सकते हैं। यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, उसके बगल में RGB लाइट ऑन ऑफ स्विच है। ये कीबोर्ड माउस FlyDigi का है, इसीलिए फ्री फायर या फिर कोई भी दूसरा गेम खेलने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है जिसका नाम है FlyDigi। कीबोर्ड के ऊपर आपको USB पोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर माउस कनेक्ट होता है, और माउस में हमें ऊपर की तरफ ब्लू कलर और नीचे की तरफ रेड कलर देखने को मिलता है। और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है जहाँ से हम इस कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो माउस कीबोर्ड ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो FlyDigi के ऐप में जाके आप आसानी से माउस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है तो मैं कमेंट में वीडियो पिन कर दूंगा, आप वो वीडियो देख के भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा की मैपिंग जो कि सिंपल सा है। ज़्यादातर प्लेयर का काफ़ी हद तक इसी तरह का की मैपिंग होता है। अगर आप चाहे तो इसी को कॉपी कर सकते हैं या फिर दूसरे प्लेयर का भी की मैपिंग कॉपी कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग में आ चुके हैं हम, तो आपको थोड़ा सा गेम प्ले दिखाने वाले हैं इस माउस कीबोर्ड से गेम प्ले कैसा होता है। तो इस माउस कीबोर्ड से हम बिल्कुल PC प्लेयर की जैसा ही खेल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, कुछ ठीक ठाक ही मैं खेल लेता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं गेम प्ले को और भी अच्छा करूँगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना, ये छोटी सी वीडियो बनाने में हमको कान फट जाती है, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। तो काफ़ी दिनों से हमारे चैनल में वीडियो नहीं आ रही थी, तो अब से हमारे चैनल में रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। तो देखने के लिए शुक्रिया।